सुबह 8:30 बजे। ओ नेगी की होया साफ सुंगा तानू, मेरे को नहीं रहना है बिग बॉस में, सब फेंके रे इधर। फेंक किसे कह रहा बे? पाकिस्तान भेज देंगे। तेरे को नहीं बोला ब्रो, तू क्यों आ रहे बीच में? और छाड़ दे नेगी, होना था वैसी तंदूर बनना है। ज्यादा फालतू मत बोलियो, मार मार का मोर बना दूंगा। That's not right, he can't say that. Oh my God, दोस्त वोस्त बनाने नहीं आओ यार मैं। तो क्या आए थे बुंड बनाने? बुंड बनाने नहीं, मारने आया हूँ। पक पक ओ माय गॉड बिग बॉस, ये लोग जंगली जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। सलमान भाई रिवाइटल के डब्बे लाए हैं। भागे ऐसे हैं जैसे आग लग गई हो, लेकिन इन परिंदों को कौन बताए डब्बा एक ही है। इतनी भसड़ मचा रखी है, मधुमक्खी का छत्ता बना रखा है। अब जो होस्ट है उसे होना चाहिए शांत प्रकार का, और सलमान भाई से ज्यादा शांत। मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। भाई शांति को रखना है उसे। चो तो आओ यार, इससे पहले सलमान भाई गाड़ी निकाले, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हमारी पहली बिग बॉसिया है मान्या। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं मैं कौन हूँ, कुशीनगर के रिक्शा ड्राइवर की बेटी या मिस इंडिया रनर अप। रनर अप मतलब वाओ, बिग बॉस में ग्लैमर तो होना ही चाहिए। तुझे पता भी है कितने लाखों लड़के को मैं। अबे ये कैसा ग्लैमर है, शकल पे टाइट मार दिया क्या? सपने देखना मुश्किल नहीं होता, बस मेकअप करना आना चाहिए। मिस इंडिया यू आर नथिंग। ना थूत ना आवाज, जान को मिस इंडिया बने बैठी है। सिलेक्शन करने वाला काना था क्या? विनिंग रिएक्शन होता है। तो आपको पता है कैसे करते हैं? नहीं। तो अगर ऐसे होते मिस इंडिया रनर अप 2020 मान्या सिंह से सिंह। ये क्या बातें हैं भाई, तो जोन आउट हो गए। क्या झलाऊ जवाब दे रही है। एपिसोड खत्म करूँ, घर जाकर मटन तोड़ूंगा। अरबाज की घरवाली बढ़िया, ओह वो तो छोड़ के चली गई। अरे परसों कोर्ट भी तो जाना है, बहुत टाइम हो गया। वैसे जैकलिन को फार्म हाउस पे भी नहीं बुलाया। अरे क्या कर रहा है सलमान, बैक टू वर्क। हमारी अगली बिग बॉसिया है अर्चना। इसका सबसे एक ही सवाल है, पागल हो गया मैं? नहीं नहीं, इससे पिछली वाली मिस इंडिया थी और ये है मिस बिकिनी इंडिया। बिग बॉस में ब्यूटी पेजेंट का कोटा चल रहा है क्या? अब दो अप्सराएं आई हैं तो बिग बॉस का माहौल बहुत खूबसूरत। खत्म। और टाट पे क्राउन धर के क्वीन बना दे, टीवी में ऐड दिलवा दे, सड़कों पे होर्डिंग लगवा दे। मिस इंडिया, मिस अर्थ इंडिया, मिस बिजनेस इंडिया, मिस बिकनी इंडिया, मिस मिस्टर इंडिया। ये वाला सेंस नहीं बनाया ना, बाकी चार बना गए। बट नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं, मैं अब लड़ूंगी ही नहीं। अपने दिल की बात सुनते हुए और अच्छाई की राह पे चलते हुए अर्चना फिर कभी नहीं लड़ी। अंडी मंडी शंडी, जो बिग बॉस में ना लड़ा उसकी दीदी अगले की गुद्दी पकड़ ली। क्यों? तो मैं पूरा एपिसोड नहीं दिखाऊंगा। टिश्यू पेपर मांग रहा था, बर्फ मांग लेता पेट में चाकू मार देती। सॉरी, कभी नहीं होगा ऐसा। तो एक बार फिर अर्चना अच्छाई की राह पे चल। अभी देख, औरत जिम्मेदारी आपकी है। औरतें मीठी छुरी होती है, ये खुरपा है, खुद खुद के कलेश ढूंढती है। इसके सर पे कोई बत्ती लगा दो, जैसे ही थोड़ी गर्म हो सायरन बजना चालू हो जाए, कम से कम भागने का मौका तो मिलेगा। हमारे अगले बिग बॉसिया हैं ये इसका पहला नाम है शालीन और दूसरा नाम नुकसान। ये कतर का सनी देओल गुस्सा नहीं परफॉर्मेंस निकाल रहा है। 2 दिन फुटेज मिलती नहीं है, दौरा चढ़ जाता है। टीवी एक्टर है ना वो, मेरे लिए एनफ प्रोवोकिंग है टू बीट द शिट आउट ऑफ एवरीबॉडी ओवर हियर। अबे प्रोटीन बुद्धि, बिग बॉस में रह के बिग बॉस जाने के ऑडिशन क्यों दे रहा है? लेकिन बेचारा क्या करे, बिना स्क्रिप्ट के जबान लड़खड़ा जाती है। मैं बकरी की तरह मिमिया क्यों रहा, सीधे बोलना। मैन पहले अलमारी था क्या? ऐसे कौन बोलता है? शब्द पकड़े जाते नहीं है, लेकिन लड़की मतलब योर ड्रेसेस आर वेरी क्यूट। तो चिपक जा फिर, लेकिन एक पे कहाँ रुक रहा है ये? मुझे नहीं बात करनी आपसे। तो एक काम कर, नाच ले उसके साथ। ये ओ ये बेटे ये। अब नुकसान से बिग बॉस पे परेशान है, बार बार शाली सिर्फ हिंदी में ही बात कर। नहीं लेकिन फिर दिस इज अ कन्फेशन रूम, वी आर सपोज्ड टू हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन हियर। अच्छा बिग बॉस एक्शन मार रहा है, वो भी अंग्रेजी में। जय हो नुकसान की। टेबल चेयर के साथ बिग बॉस का कैरेक्टर भी तोड़ दिया। नुकसान बाकी सबसे बहुत ऊपर बैठता है। नहीं सही में। सुबह 8:30 बजे हमारे अगले प्रतियोगी है मशहूर रैपर। माइक मुझे दे दो। ये अकेला जो अपना सारा पैसा लेके घूमता है। तेरा सर से पाँव तक के भाव क्या है? इट्स लाइक 60-70 लाख। 60-70 लाख। वैसे तो सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन पहली बार बिग बॉस के घर में दहेज आया है। इसको पोषित बप्पी लहरी के गहने हटा दो, धोबन का बच्चा ज्यादा साफ लगेगा। हिंदी का इतना बड़ा श्रृंगार पहन रखा है, लेकिन शब्द एक ही आता है जो हिंदी है ही नहीं। शेमड़ी शेमड़े शेमड़ा शेमड़ी शेमड़ा। चुपा लेते हुए भी शेमड़ा चिल्लाता है क्या? लेकिन क्या फर्क पड़ता है, स्नूप डॉग भी तो ऐसे ही बोलता है। तू खारी शेमड़ खारी क्या क्या खारी शेमड़ी। अब दिन से रात हो जाती है, लेकिन इसकी धमकियाँ खत्म नहीं होती। अरे वाले में घुस के मारूंगा, निकलने दे एक बार। अब लंडे का जो घुसेगा आराम से जा भी तो सकता है। बाप क्यों तू आगे दिखा, तेरी माँ क्यों कर रही तू आगे बता। गाली दे रहा है मेरे से गाली देगा। आगे दिखा। ऐसा लग रहा है युजवेंद्र चहल बॉल डाल रहा है। नहीं, एक बार ये देखो फिर ये देखो, अगला गुलेल पे रख के चला देगा। लेकिन भाई ने सोचा अपन भी बॉडी बनाएगा, इसलिए भाई ने कार्डियो करना चालू कर दिया। मैंने बिग बॉस के 100 घंटे चाटे, उसमें से कुल मिलाकर 20 मिनट इसकी फुटेज होगी, लेकिन फिर भी। एंड विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 16 गोज टू एमसी स्टैन। इसे कुछ होश ही नहीं है, चल क्या रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो विवेक ओबरॉय भी है। क्या मैं भाई की टीम में हूँ यार? तुम्हें पता मुझे सपने कैसे आते हैं? बहुत खुश लग रहे हो आप, और ये खुशी आई नो दैट फीलिंग। अब जब भी हमारे रैपर की गुथाई होती है, पता नहीं क्यों साजिद खान उसे सुट्टा पिलवाता रहेगा। चला सिगरेट पी, फिर ठंडा हो जा। अंदर आ जा, एक सुट्टा मार। छोड़ना सुट्टा मार, छोड़ना सुट्टा मार ले बस। कैंसर भी कह रहा होगा, इतनी क्या जल्दी है? नहीं, बात निकल गई है। एक सिगरेट पी के आगे गले लगेगा। एक काम कर, उसकी गांड में गोल्ड फ्लेक जला दे, क्योंकि लत ऐसे लगा दी मुंह से तो फिल्टर खा जाता है वो। साजिद खान की कास्टिंग काउच इतनी फेमस है, इससे लौंडिया छोड़ो लौंडे भी डरते हैं। अरे दिस इज नॉट सर, मेरी बात मेरी सर, मैं कुछ। साजिद खान को इंडिया नहीं पसंद है, क्योंकि रशियन डरती नहीं है ना। मेरी नॉमिनेशन से आज तक ना कभी फटी है ना कभी फटेगी। मेरा नाम साजिद खान है सर। साजिद खान नहीं, सिफारिश खान है, क्योंकि साजिद अरबाज के बहुत क्लोज है। पार्शियलिटी होगी। ये आपस में खेलते रहते हैं, बैट बीन का बॉल बीन की। बाकी सब तो की तरफ फील्डिंग कर रहे हैं। फालतू के मौके और करण की कॉफी सिर्फ इन्हें मिलती है। क्यों बैठा है, क्यों बैठा है? मुझे क्या मालूम क्यों बैठा है, क्यों फट रहा है। छोड़ना सुट्टा मार। हमारा अगला बिग बॉसिया है बड़ा पाव। ये है अब्दू फ्रॉम तजाकिस्तान। 20 साल का लौंडा है, पर मेडिकल कंडीशन की वजह से इसकी हाइट छोटी है। लेकिन बिग बॉस वालों को लगा घर में बच्चा है। सुबह 8:30 बजे दोपहर 3:45 बजे। लंगड़ा नहीं है वो, लेकिन ये लोग दिमाग से पैदल जरूर है। लड़के तो कतई बावड़ी हो जाती हैं, हर छोटी छोटी बात पे ले। अब्दू ने हक दिया, इतनी सी पोटी ले। पागल औरत। अब्दू ने भी सोच ली, बच्चा समझ रहे हो ना, बच्चा ही सही। वो कईयों का साइज और देखो कंडीशन कैसी भी हो, लौंडा तो लौंडा ही रहता है। इट्स अ कॉम्पिटिशन। ये सब क्या हो रहा है? कल को बच्चा बच्चा बोल के अपना अंगूठा ना चुसवा दे। इसके बच्चा होने की इतनी कंफ्यूजन है, किसी ने कोरा पे पूछ रखा है Does Abdu live with Snow White? ये कौन गेंडू है? कैसे हो सकता है कि 14 दिन से ये बच्चा क्यूट लगते जा रहा है? ना वो छोटा है ना वो बच्चा है, और नहीं रहता वो स्नो व्हाइट के साथ। साजिद खान की कंपनी हानिकारक है। बेचारा अब्दू भी कॉर्न फ्लेक्स से गोल्ड फ्लेक्स पे आ गया। अब सोचो अगर कप्तान अमेरिका के पास शील्ड की जगह बाल्टी हो, पूरा कम्बोर्ड फेंक के मार देना लड़की के। ये बिग बॉस के एवेंजर्स इतने देसी हैं, इन्हें वायलेंस भी डोमेस्टिक ही पसंद है। अब बिग बॉस में हर लड़की कहती है गर्ल पावर फेमिनिज्म। ओ सॉरी, टास्क कर ले। 100 पुशअप्स कीजिए। हाँ चल ठीक है, ये वाली दे। ये गुड लक निमृत को। घोड़ी नहीं बनना था। पुशअप के नाम पे सिर्फ ब्रा पहननी आती। काय बात की गर्ल पावर। अगर ये असली पुशअप्स है तो ये भी असली सलमान खान है। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा। अब जब सलमान भाई सेक्स करते हैं तो उनके स्पर्म कुछ ऐसे भागते हैं। अरे वो शेरा है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वरना अगली ईद पे भाई मुझे काट रहे होंगे। अब जो भी इस वीडियो को लाइक मारेगा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए कैश। देखो मेरे पास छुट्टे नहीं है, सिर्फ 2000 का नोट है। और भैया माफ कर देना, वीडियो में काफी टाइम लग गया, क्योंकि मैंने 100 घंटे सलमान भाई को चाटा। और ये सब मस्ती है, मजाक है, हेट देने की क्या जरूरत है, मत दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो सफेद वाला बटन है उस पर डाउरी फेंक के मारो या दहेज, मुझे नहीं पता, बस शादी हो जानी चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे साइकिल चलाने जाना है, बाय। वो है सौरभ के घर पिज्जा ऑर्डर करते, वो आज भी दाल चावल खा रहा है। बिग बॉस चाहते हैं छोले खाओ, गांड मराओ, इतना इंस्टाग्राम देखते हो, एक काम करो उस पे गांड भी हिला लो। पैसे तो तब भी नहीं कमा पाओगे और पढ़ाई तो सलमान ने भी नहीं करी, तुम कौन सी खेत की मूली हो।